उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि मुरादाबाद में 120 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं 120 केंद्रों पर आयोजित होंगी। नकलविहीन परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है। स्टूडेंट वाइज हम एक डाटा तैयार करें कि बच्चे की किस सब्जेक्ट में किस प्रकार की कमी है, ताकि उसके लिए रेमेडियल टीचिंग करते हुए हम बच्चों की उस कमियों को दूर कर सकें। हमारे कुछ राजकीय विद्यालय हैं जहां अभी शिक्षक, कुछ विषयों के शिक्षक वहां तैनात नहीं हैं, तो मेरे द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया गया कि जिन विद्यालयों में गणित के शिक्षक नहीं हैं, वहां दूसरे विद्यालयों से गणित के शिक्षक को एक माह के लिए हमने संबद्ध किया और वह एक माह तक उस विद्यालय में रह करके उन्होंने गणित का शिक्षण किया और बच्चों की जो कमियां थीं उन कमियों को दूर किया। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम बच्चे को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि वो परीक्षा के पहले पूरी तरह से उसका पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाए, पाठ्यक्रम का रिवीजन भी हो जाए और एक अच्छी तैयारी पाठ्यक्रम की हो जाए, ताकि जो 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हमारी जो परीक्षा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, उस परीक्षा में बच्चा हमारा पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करे और अच्छी तरह से परीक्षा को दे। अभी जो हमारे केंद्र के निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, पूरे जनपद में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार जो बालिका विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाए जाने में प्राथमिकता भी दी गई है और जो शासनादेश में व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूर्ण हो चुका है और परीक्षा की जो तैयारी है उसको हम लोग विद्यालय स्तर पर भी पूरी मॉनिटरिंग उसकी निरंतर की जा रही है, ताकि परीक्षा के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं उन संसाधनों से युक्त जो विद्यालय थे वही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यदि कहीं कोई कमियां हैं तो परीक्षा के पूर्व उन कमियों को वह विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से दूर कर ले, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो और बच्चे पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें।